हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पेठा का खट्टा मीठा सब्जी की रेसिपी। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आगे भी मैं इस तरीका की वीडियो लाते रहूँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम पेठा। मैं इसको अच्छे से धो के रख लिया और इसका बीज निकाल के मैं अलग कर दूँगी और इसको छोटा छोटा पीस करके काट लेती हूँ। इसको छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। इस तरीके के काटना है पीसेस और ये सामग्री मैंने तैयार कर लिया है पेठा के लिए सारी। उसके लिए मैंने वही 250 ग्राम पेठा लिया है, मेथी दाना, लाल मिर्च पाउडर और 3 पीस मैंने लिया है सूखी साबुत मिर्ची, हींग और शुगर लिया है मैंने। आप गुड़ भी डाल सकते हो जो आपके पास है। ये इमली मैंने लिया है, पेस्ट बना लूँगी मैं इसके। नमक, हल्दी, अब ये सामग्री तैयार कर लिया है मैंने। अब इसके लिए मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और कढ़ाई रख देती हूँ मैं। कढ़ाई गर्म होने के वेट करते हैं और उसमें मैं 1 चम्मच तेल डालूँगी। तेल को भी हम हल्का सा गर्म होने देंगे। मैं सरसों के तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल गर्म हो चुकी है, मैं उसमें 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डालूँगी। एक छोटी चम्मच हल्दी और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और पेठा डाल दूँगी जो मैंने काट के रखा था। उसको डाल के अच्छे से मिला लूँगी ऐसे करके। और मैं स्लो गैस में 5 मिनट के लिए ढक दूँगी इसको। एक बार ढक्कन हटा के देख लेती हूँ। अभी हल्का सा कच्चा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए और ढक दूंगी। 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे फिर ढक दूंगी मैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, पक चुकी है मेरी पेठा। अब इसमें मैं नमक डालूंगी। नमक इसलिए लास्ट में डालूंगी क्योंकि नमक डालने से बहुत जल्दी गल जाती है। और जो मैंने इमली रखी थी उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। शुगर डालूंगी मैं उसमें 2 छोटी चम्मच और उसको अच्छे से ऐसे करके मिला लेते हैं। मैंने पानी नहीं डाला है, ये इमली पेस्ट का पानी था। मेरा पेठा बनके तैयार हो चुकी है। चटपटी, बहुत टेस्टी लगती है। बहुत सिंपल रेसिपी है बट बहुत टेस्टी है। तो आप अपने घर में ज़रूर मेरी रेसिपी एक बार ट्राई करना। खट्टा मीठा होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं तड़का के लिए तैयार करती हूँ। मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है। थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा गर्म होने देते हैं। और 1 चुटकी हम उसमें हींग डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेती हूँ मैं। साबुत जो लाल मिर्च रखी थी वो भी डाल देती हूँ। तड़का तैयार हो चुकी है। पेठा मैंने बाउल में निकाल लिया, अब उसमें मैं डाल देती हूँ तड़का। तो अपने घर में मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत सिंपल है। जितने सिंपल है उतने ही टेस्टी है। चटपटाला बहुत ही टेस्टी रहती है, तो ज़रूर अपने घर में बनाना एक बार। मेरे इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना।